आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है क्या है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्लेक्स वेल्यूड फंक्शन क्या है मैंने बता दिया था सो आज हम जानेंगे कि होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या है एक कॉम्प्लेक्स वेल्यूड फंक्शन w = fz = u + iv where u is the function of xy and v is the function of xy कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन fz इसको बोला जाएगा होलोमॉर्फिक और इसको भी बोला जाता है एनालिटिक एंड रेगुलर फंक्शन भी बोला जाता है होलोमॉर्फिक कह सकते हो अदरवाइज एनालिटिक और रेगुलर फंक्शन इफ इट इज सैटिस्फाई काची रेमन इक्वेशन अगर ये जो वैल्यूड फंक्शन है ये इक्वेशन इक्वेशन, जो है है, कच्ची इसको अगर करता है, देन उस टाइप के कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को हम बोलेंगे होलोमर्फिक फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन इससे भी हम बोल सकते हैं सो so, ये था आपका होलोमर्फिक फंक्शन अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन सैटिस्फाई करता है सीआर इक्वेशन को कचरी माने इक्वेशन को बोला जाता है सीआर इक्वेशन सो ये इक्वेशन को अगर सैटिस्फाई करता है देन इसको बोल लेंगे होलोमॉर्फिक और एनालिटिक और रेगुलर फंक्शन सो ये था आपका सीआर इक्वेशन डेल्यू बाय डेलेक्स इक्वल टू डेल्वी बाय डेलेवाई मतलब यू का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स से वी का पार्सली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई से अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड नीचे जो दे रखा है यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू माइनस इनटू वी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे देन ये जो फंक्शन है इसको बोलेंगे होलोमोर्फिक फंक्शन मतलब यू एक्स इक्वल टू होना चाहिए इक्वल टू माइनस होना चाहिए ये दोनों को सैटिस्फाई करना चाहिए अगर ये दोनों समझते हैं कम्प्लीटली सो गिव एन एग्जाम्पल क्या दे रखा है चेक दी होलोमर्फी फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर आपको ये जो होलोम एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर रखा है इसमें आपको पता है जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है का का आपको आपको पता है, X IY. Again, again, FZ Z Z आपको पता है है अगेन अगेन देखिए वी हैव अगर हम एक्स प्लस आई वाई पुट करेंगे ये हो जाएगा, X IY, IY Next, आपको इसमें पुट करना है जो फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर देन आपको ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगा

ये देखिए ये एक फॉर्म में आ गया यू प्लस आई जिनमें जिन आपका माइनस वाई स्क्वायर भी, भी, तो भी फर्स्ट जब आप प्रूव करोगे होलोमॉर्फिक फंक्शन कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को फर्स्ट आपको कन्वर्ट करने पड़ेगा यू प्लस आई वी के फॉर्म में उसके बाद आप जो कि फंक्शन है, उसको कर पाओगे सीआर इक्वेशन के हेल्प से। so आपको U IV के लिया नेक्स्ट हमने यू को ले लिया माइनस वाई स्क्र जो कि इसका रियल पार्ट है एंड ले लिया इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि टू एक्स वाई है क्या फाइंड करना था इसको सीआर इक्वेशन को प्रूव

ए टू कि डिफरेंशियन ये हो जाएगा एन इंटू ए पावर एन माइनस वन इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का डिफरें टू माइनस वन जो कि वन हो जाएगा सो so, ये हो जाएगा माइनस टू वाई सिमिलरली भी को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर अगर हम पार्सल डिफरेंसन करेंगे देन ये हो जाएगा टू वाई अगेन विथ रिस्पेक्ट टू वाई से अगर हम करेंगे ये हो जाएगा टू एक्स इस टाइप से आपको फाइंड करने के बाद आप सिंपली चेक करोगे आपका यू एक्स इक्वल टू वी वाई ये साटिस्फाई होता है या नहीं है सो यू एक्स आपका गिवन जो आपने फाइंड किया इक्वल टू टू एक्स है सो टू एक्स इक्वल टू वी वाई इसमें वी वाई भी टू एक्स है सो so, ये दोनों सेटिस्फाई करता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई जो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन था सीयर इक्वेशन का सो so, ये सेटिस्फाई हो रहा है नेक्स्ट हम चेक करेंगे नहीं है, सो so आपका गिवन जो आपने फाइंड किया इक्वल इक्वल टू सेकेंड कंडीशन था सीआर इक्वेशन का सो so ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं सो so ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है इसको बोला जाएगा होलोमॉर्फिक फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन So, ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस जो कि होलोमर्फी फंक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर प्रूव करना है फंक्शन फंक्शन कोई भी वैल्यूड को इसको फर्स्ट आपको क्या करना है जो कि यू के फॉर्म में लाना है नेक्स्ट आपको यू प्लस आई वी जिसमें यू आपका यू एंड आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है सो so, ये था आपका कंप्लीट वीडियो सो थैंक यू स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आयोर चैनल थैंक यू